हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी विद ब्रेड पकौड़ा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। आई डोंट नो इफ एनीवन हैज़ ट्राइड दिस बिफोर, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे दो प्याज ले ली हैं, जिनको मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है, चॉप कर लिया है इसको। साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं चार टमाटर और यही कुछ पांच छह हरी मिर्चें लिए हैं, और मैंने थोड़ा सा लहसुन यानी कि 8-10 फाड़ी लहसुन की लिए है, और थोड़ी सी मैंने अदरक ली है। लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप आलू की सब्ज़ी में नहीं डालते तो। बाकी मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता भी यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट फ्लेवर के लिए, और कुछ मसाले हैं, साथ ही मैंने हींग यूज़ करी है। तो ये मसाले से आइए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने सबसे पहले यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, सरसों के तेल में बनाना चाहें तो वो उसमें भी सब्ज़ी अच्छी बनती है, या फिर रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो ये जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी मैं हींग डाल दूँगी, और हींग डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपना जीरा। एक चम्मच के करीब इसमें ज़ीरा डाल दिया। अब ये जैसे ही थोड़ा स्प्रिंकल करेगा, इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता और लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर इसको डालेंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं, और प्याज को अच्छे से हम भुनने देंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। आप ये रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिए, और डेफिनेटली आपका जो आलू का टेस्ट है वो एकदम भंडारे वाला टेस्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें टमाटो प्यूरी मैं ऐड कर दूंगी, जो मैंने अपना लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी बना ली है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक रहे हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल दूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिए आप इसमें। आधा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और ये एक चम्मच भर के हरा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, पूरा का पूरा ये मिक्स हो जाएगा। अब हम जब तक इसमें पकोड़े के लिए बैटर बना लेते हैं। तो पकोड़े के लिए जो बैटर बनाएंगे, उसमें मैंने ये बेसन लिया है, चार करछी जो है भर के मैंने बेसन लिया है इसमें, और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया पाउडर डाला है, साथ ही थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाली है, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मसाले में भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे हम आलू के मसाले में, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम पानी डाल के इसका थोड़ा सा थिक बैटर बना लेंगे, ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए, इसका हम मिक्स करके थिक बैटर बनाइए। आप इसमें चाहे तो पकोड़े में लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो आपको कद्दूकस करके डालना है। तो ये आपको ऐसा बैटर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। आलू को मैंने बॉयल कर लिया था, और इनको हम मैश कर लेंगे। ये आलू लगभग 5 आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके रखा है। अब इसको आप ऐसे हाथ से मैश कर लीजिए, या मैशर है तो मैशर से मैश कर लीजिए, और मैश करने के बाद हम इसको डालेंगे अपने मसाले में। ये पूरा का पूरा हमने सारा ऐसे मैश कर दिया है। अब हम इस आलू को इस मसाले में डाल देंगे। आलू को मसाले में डालने के बाद इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। आप चाहें तो ऐसे ड्राई आलू भी आप कभी कभार पराठा और या पूरी वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ब्रेड पकौड़े के साथ हमें तरी वाली सब्ज़ी चाहिए, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, और इसको अब हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए।
बॉईल लाएंगे इसमें एक दो। पानी आप हिसाब से डाल लीजिए, जितनी आपको थिक ग्रेवी या जितनी पतली ग्रेवी चाहिए। पानी डालने के बाद इसको मैंने बॉईल करने रख दिया है अच्छे से। थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी अच्छे से पक जाए, आलू उसमें मिक्स हो जाए, बॉईल हो जाए, फिर हम इसको बंद करेंगे। तो अभी अच्छे से पक रही है, अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे एक चम्मच। एक चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसमें जो हींग की और कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है ना, बहुत ही टेस्टी है। तो इसको हम थोड़ा देर और पकने देंगे, जब तक पकौड़े निकाल लेते हैं। तो पकौड़े के लिए तेल मैंने गरम कर लिया है। ब्रेड को हम ऐसे काट लेंगे पीसेस में और ब्रेड को ये पहले मैंने चेक कर लिया कि तेल हमारा गरम हो चुका है एकदम। पकौड़े मैं सरसों के तेल में तल रही हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब ये ब्रेड को हम इसमें डिप कर हम अपने पकौड़े निकालेंगे। ब्रेड को अच्छे से डिप कर ब्रेड के पूरे पीस पे जो कसूरी मेथी का फ्लेवर आ गया है, टेस्ट जो उसमें चिपक के टेस्ट आएगा वो बहुत ही अमेजिंग आता है, ट्रस्ट मी गाइस। तो ये हमने इसमें पकोड़े सरसों के तेल में तल रहे हैं, पलट देंगे इसको। जब तक ये अच्छे से लाल नहीं हो जाते तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। और ये थोड़ी देर के बाद मेरे पकोड़े हो गए हैं लाल एकदम। अब मैं इनको निकाल लूँगी। पकोड़ों को साइड करके निकाल लीजिए। ऐसे ही आप सारे पकोड़ों को तल लीजिए और इसको आप सर्व करिए हरी चटनी और आलू की सब्ज़ी के साथ। ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे बनाना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।